नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग ठीक होंगे। तो सल्तनत काल ख़त्म हो गया। सल्तनत काल के बाद जो स्वतंत्र राज्य थे उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम पहले पढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी से 1678 ईस्वी तक रहा। 1336 ईस्वी में माधव विद्यारण की प्रेरणा से हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इस राज्य की स्थापना की। विजयनगर का अर्थ है जीत का शहर, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर है और हम्पी इसकी राजधानी बनाई गई। मध्यकाल में स्थापित होने वाला ये पहला हिंदू राज्य था। विजयनगर साम्राज्य में चार वंशों ने राज किया। संगम वंश, जिसने 1336 से 1485 ईस्वी तक, सालुब वंश, जिसने 1485 से 1505 ईस्वी तक, तुलुब वंश 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक, आरविडु वंश 1570 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। तो पहले अब पढ़ते हैं हम संगम वंश के बारे में, जो 1336 से 1485 ईस्वी तक रहा। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर इस वंश का नाम संगम राजवंश रखा। संगम वंश का पहला राजा हरिहर प्रथम था, जिसने अपनी राजधानी अनेगुंडी को बनाया और बाद में विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि अनेगुंडी नदी के पास था तो बाढ़ आने का खतरा इधर हमेशा बने रहता था, इसलिए इसने विजयनगर को इसने अपनी राजधानी बना दिया। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर था और इसने यहीं पर एक विद्यानगर नाम से एक शहर की स्थापना भी की थी। इसकी राजभाषा तेलुगु थी और विजयनगर के शासकों ने कन्नड़, तेलुगु, तमिल और संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया था। हरिहर को दो समुद्रों का अधिपति कहा जाता था। हरिहर के समय बहमनी साम्राज्य के संस्थापक बहमन शाह ने विजयनगर के रायपुर किले पर अधिकार कर लिया। तब से इन दोनों राज्यों के बीच में संघर्ष होना शुरू प्रारंभ हो गया। मतलब 1346 ईस्वी में हरिहर ने होयसल राज्य को विजयनगर में मिला लिया और 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हो गई थी। तो उसके बाद ये दक्षिण की ओर विस्तार नहीं कर पाया, क्योंकि दक्षिण साइड में तो बहमनी राज्य पहले से बन गया था, तो इसने उत्तर साइड को अपना विस्तार किया। 1356 में हरिहर प्रथम की मृत्यु हो गई। इसके बाद हरिहर का भाई बुक्का प्रथम 1356 से 1377 ईस्वी तक शासक रहा। इसने मदुरई को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला दिया। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की और इसे तीन समुद्रों का अधिपति कहा जाता था। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक इसलिए क्योंकि इसने वैदिक संस्कृति को बढ़ावा दिया था अपने शासनकाल। बुक्का प्रथम ने बहमनी शासक से मुद्गल के किले का प्रसिद्ध युद्ध किया था। इसने अपना एक राजदूत चीन भी भेजा था। इसके बाद हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी तक संगम वंश का शासक बना, जो बुक्का प्रथम का पुत्र था। संगम शासकों में सबसे पहले हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय ने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों में विजय प्राप्त की। इसने बहमनी सुल्तानों के आक्रमणों को विफल कर बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा को छीनकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था। इसने श्रीलंका के राजा से भी कर वसूला था, इससे पता लगता है कि इसका विस्तार कितना दूर तक था। 1404 ईस्वी में हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो गई। इसके बाद विरूपाक्ष प्रथम राजा बना और उसके बाद बुक्का द्वितीय राजा बना। ये दोनों ज्यादा समय तक राज नहीं कर पाए। इसके बाद देवराय प्रथम 1406 ईस्वी में राजा बना, जिसने 1422 ईस्वी तक शासन किया। फिरोज शाह बहमनी से पराजित होने के बाद देवराय प्रथम ने अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह से करा दिया। इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा में 1420 ईस्वी में इसी के शासनकाल में आया था। किसके? देवराय प्रथम के। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया, जिससे पानी की कमी दूर हो सके और नगर में नहर की व्यवस्था आ सके। इसने हरिद्र नदी पर भी एक बांध बनाया था। तेलुगु कवि श्रीनाथ देवराय प्रथम के राज दरबार में रहते थे। इन्होंने हरितलास नाम के ग्रंथ की रचना की। 1422 ईस्वी में देवराय प्रथम की मृत्यु हो गई। इसके बाद 1422 में इसका पुत्र रामचंद्र सिंहासन पर बैठा, लेकिन कुछ महीने बाद इसकी भी मृत्यु हो गई। रामचंद्र के बाद उसका भाई वीर विजय गद्दी पर बैठा, लेकिन इसका शासनकाल भी अल्पकालीन था। इसके बाद देवराय द्वितीय राजा बना, जो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसे इमादी देवराय और इंद्र का अवतार माना जाता था। देवराय द्वितीय को एक अभिलेख में गजबेटकर, मतलब हाथियों का शिकारी भी कहा है। इसके समय में ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक 1442 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा पर आया था। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था और मुसलमानों के लिए मस्जिदों का निर्माण भी करवाया था। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था। 1446 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और देवराय द्वितीय के बाद इसका पुत्र मल्लिकार्जुन विजयनगर का राजा बना। मल्लिकार्जुन के समय में उड़ीसा और बहमनी के आक्रमण में उड़ीसा ने कोटबिंदु और उदयगिरी के किले में अधिकार कर लिया और उड़ीसा के गजपति शासकों ने बुरी तरह इसको पराजित किया था। किसे? मल्लिकार्जुन को। मल्लिकार्जुन को प्रवण देवराय भी कहा जाता था। मल्लिकार्जुन के समय चीनी यात्री मियान समुद्री यात्रा से विजयनगर आया था। नंदगिरी के नरसिंह सालुन ने मल्लिकार्जुन का सिंहासन छीन लिया। ये मल्लिकार्जुन का सामंत था। 1465 ईस्वी में मल्लिकार्जुन की मृत्यु हो गई। इसके बाद संगम वंश का अंतिम शासक
विरूपाक्ष द्वितीय था। 1485 में इसकी भी हत्या कर दी गई और संगम वंश समाप्त हो गया। इसके बाद सालुब वंश की स्थापना हुई। इसका संस्थापक सालुब नरसिंह था। इस वंश का शासन 1485 से 1505 ईस्वी तक रहा। सालुब नरसिंह के दो बेटे थे, तिम्मा और इमाडी नरसिंह। सालू के बाद इमाडी नरसिंह राजा बना और इसका संरक्षक नरसा नायक था और नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमाडी नरसिंह की हत्या कर दी और सालू वंश समाप्त हो गया यहीं पर। और वीर नरसिंह ने तुलु वंश की नींव डाली। उसकी हत्या करने के बाद इसने तुलु वंश की नींव डाली जो 1505 से 1570 ईस्वी तक रहा। 1509 में वीर नरसिंह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद कृष्णदेवराय राजा बनता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पेपरों में पूछा जाता है। ये 8 अगस्त 1509 में तुलु वंश का महान शासक बना। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधि धारण की थी। सालू तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री और सेनापति था। कृष्णदेव ने 1509-10 ईस्वी में बीदर के सुल्तान महमूद शाह को अदोनी के समीप हराया था। फिर 1512 में कृष्णदेव राय ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल खां को हराकर रायचूर पर अधिकार कर लिया और फिर गुलमर्ग के किले पर अधिकार कर लिया था। 1513 से 1518 के बीच उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्रदेव को एक बार नहीं बल्कि 4-5 बार पराजित किया और हार की शर्मिंदगी के कारण इसने प्रताप देवराय ने अपनी पुत्री का विवाह इससे करा दिया। कृष्णदेव राय के समय पुर्तगाली यात्री डोमिंग पाथस और बारबोसा विजयनगर की यात्रा पर आए थे। कृष्णदेव राय के काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसने तेलुगु में अमुक्त माल्याद और संस्कृत में जम्बाती कल्याणम की रचना की। इसके दरबार में 8 तेलुगु विद्वान रहते थे जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अलसानी पेडन्ना था। स्वारोचित संभव या मनुचरित्र या हरिकथा सरणम की रचना की। और अन्य जो कवि थे, तेनालीरामा जिसने पांडुरंग महात्मय, नंदी तिम्मन इसने पराजित हरणम, याद्यज्ञी मल्लनम इसने राजशेखर चरित, धुर्जर्ति इसने कलसित महात्यम, भट्टमूर्ति इसने नरस मुयामियलम, जिंगलीरन इसने राघव पांडियम और अचुल्य राजू रामचंद्र इसने रामाभ्युदय सलव कथा और सार संग्रह लिखी। कृष्णदेव राय ने अपनी माँ के नाम पर नालंगपुर नगर बसाया। इसने हजारा और विठल स्वामी का मंदिर का निर्माण भी करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में हो गई। इसके बाद इसका भतीजा अच्युत देव राय 1529 से 1542 तक राजा रहा। इसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनिच विजयनगर आया था। इसके बाद इस वंश का अंतिम शासक सदाशिव राय राजा बना। 1542 से 1570 तक था। इसका सेनापति राम राय था जिसने शासन की सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली। इसने बहमनी साम्राज्य के 5 राज्य बीजापुर, गोलकुंडा, बदार, बीदर और अहमदनगर में फूट डालने की कोशिश की, लेकिन इसमें से बदार को छोड़कर बाकी 4 राज्यों ने 1565 में विजयनगर पर हमला कर दिया और इनके बीच तालीकोटा का युद्ध हुआ जिसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। युद्ध में सेनापति राम राय की मृत्यु हो गई और फिर सदाशिव ने तिरुमल को अपना नया सेनापति बनाया और तिरुमल ने सदाशिव की हत्या कर दी और आरविडु वंश की स्थापना की। तिरुमल ने सदाशिव की हत्या की और आरविडु वंश की स्थापना कर दी। जो विदेशी यात्री सेवल तालीकोटा युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था और सीजर फेडरिक नाम का एक यात्री सदाशिव के शासनकाल में विजयनगर आया था। आरविडु वंश का राज 1570 से 1678 ईस्वी तक रहा। यह अंतिम वंश था विजयनगर साम्राज्य का। इसकी राजधानी पेनुगंडा थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शक्तिशाली राजा वेंकट द्वितीय था जिसने अपनी राजधानी चंद्रगिरी बनाई। इसने स्पेन शासक फिलिप तृतीय के साथ पत्र व्यवहार किया था और अपने दरबार में 2 ईसाई चित्रकारों को रखा था। इस वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। तो आप जान लेते हैं विजयनगर की प्रशासनिक इकाई के बारे में। विजयनगर की प्रशासनिक इकाई का क्रम प्रांत जो मंडल कहते हैं जिसे कोट्टम या वलनाडु मतलब जिला, फिर नाडु मेलग्राम जो 50 गांवों का समूह होता था और उसके बाद उर जो मतलब गांव था, ऐसे करके आता था ये घटते क्रम में। कंडिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित दस्तावेज होते थे। आय का सबसे बड़ा स्रोत विजयनगर साम्राज्य में लगान था जो भू राजस्व की उपज का 1/6 भाग था। विजयनगर साम्राज्य में विवाह पर कर लिया जाता था दोनों लड़के से भी और लड़की से भी, जिसे कृष्णदेव राय ने समाप्त कर दिया था। विधवा विवाह जो था वो कर मुक्त था, मतलब पहले भी नहीं लिया जाता था। विजयनगर की मुद्रा पिंगोड़ा और बहमनी की मुद्रा हुड़ थी। वरहा नाम के सोने के सिक्के और टार चांदी के सिक्के होते थे और तांबे के सिक्के को डिजिटल कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश वक कहा जाता था। तो दोस्तों ये था विजयनगर साम्राज्य। मैं सोचा था बहमनी साम्राज्य भी इसी के अंदर कवर कर लूंगा, लेकिन विजयनगर इतना बड़ा होने के कारण बहमनी को नहीं पढ़ पाया। तो अगली वीडियो में पढ़ते हैं बहमनी के बारे में। तब तक के लिए।